जमात इस्लामी के अमीर सैयद अबुल आला मौदूदी साहब सामने आ गई उनके लिए, वो फरमाते थे कि मुस्लिम लीग के किसी रेजोल्यूशन और लीग के जिम्मेदार लीडरों की किसी तकरीर में आज तक ये बात वाजिया नहीं की गई कि उनका आखिरी मतलब नजर इस्लामी निजाम हुकूमत कायम करना है। सन 39 से तो ये मैं आपके सामने पेश करता चला आ रहा हूँ, सन 30 से करता चला आ रहा हूँ, जब इकबाल ने पेश किया था कि ऐन तारीख के दौरान में ये कहते थे कि लीग के किसी लीडर ने आज तक ये नहीं बताया कि पाकिस्तान से मकसूद किया है और वहां इस्लामी हुकूमत का इनेकाद इनका मकसद है। ये था जो कायद आजम ने कहा था कि हमारे मुतल्लिक ये गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं कि क्या पाकिस्तान में इस्लामी मुमल्लकत कायम होगी, और ये था उसका जवाब जो उन्होंने दिया। और आगे चलिए रीजा, और इन अल्फाज को गौर से सुनिए। उन्होंने मार्च 1941 को मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनियन अलीगढ़ से खिताब करते हुए फरमाया था कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क से इस्लाम का नामो निशान न मिट जाए, तो इसके लिए पाकिस्तान न सिर्फ ये कि एक अमली नस्बुलैन है, बल्कि यही और सिर्फ यही वाहद नस्बुलैन है। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क से इस्लाम का नामो निशान न मिट जाए, ये था मकसद अजीजा ने, और इसी को उन्होंने तेईस मार्च 1945 में यौम पाकिस्तान की तकरीब में ही एक तकरीर उन्होंने फरमाई, पैगाम दिया था। उस पैगाम में उन्होंने कहा था कि हमारी हिफाजत, निजात और इज्जत व आबरू के तहफ्फुज का वाहिद जरिया पाकिस्तान है। याद रखो, अगर हम इस जद्दोजहद में नाकाम रह गए तो हम तबाह हो जाएंगे, और फिर इस बर्रे सगीर में मुसलमानों का और इस्लाम का नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। देख रहे हैं जज्बे महरता क्या था इस पाकिस्तान के मुतालबे का। और यही चीज उन्होंने यहां तक मैंने अजीजा ने मन पाकिस्तान की तश्कील से पहले की बात की। पाकिस्तान वजूद में आ गया, अब कायदे आजम सिर्फ कायदे आजम नहीं थे, जनरल जनरल भी थे पाकिस्तान के। उन्होंने अक्टूबर 1947 में खालिद मीना हाल में पाकिस्तान के अफसरों से खिताब किया था, और वहां ये फरमाया था कि पाकिस्तान का क़याम जिसके लिए हम गुज़श्ता 10 साल से मुसलसल कोशिश कर रहे थे, अब खुदा के फजल से एक हकीकत साबिता बनकर सामने आ चुका है, लेकिन हमारे लिए इस आजाद ममलकत का क़याम मकसूद बिज़ात नहीं था, एक अजीम मकसद के हसूल का जरिया था। आप इक्तसादी इस्तेसाल कहते हैं, वो तो खुद इस स्टेट और ममलकत को भी मकसूद बिज़ात नहीं करार देते, इसे एक अजीम तर मकसद के हसूल का जरिया बता रहे हैं। और वो मकसद क्या था? हमारा मकसद यह था कि हमें एक ऐसी ममलकत मिल जाए जिसमें हम आजाद इंसानों की तरह रह सकें, और जिसमें हम अपनी रोशनी और सकाफत के मुताबिक नश्व नुमा पा सकें, और इस्लाम के अबल इमरानी के असूल आजादाना तौर पर रूबा अमल लाए जा सकें। ये है मकसद इस ममलकत के हसूल। यहां तक अजीजान मन, आपने देखा है कि कायदे आजम इस्लाम का नाम ले रहे हैं, और जिस तरह हमारे यहां और इस्तलाहात ऐसी हैं कि जो शर्मिंदा मानी नहीं हो रही, उन इस्तलाहात के मफहूम के मुतल्लिक भी भांति भांति की बोलियां बोली जा रही हैं, खुद इस्लाम के मुतल्लिक भी कोई मुतय्यन मफहूम लोगों के जहन में नहीं। जिससे पूछिए वो कहता है जी इस्लाम ये कहता है, और जब क्रोधिये के साथ वो कहता कौन है, कहा ये है कि जी वारिशा होना फरमाया है, और हम कुछ हो गया किताब में लिखा हुआ था, मौलवी साहब ने फरमाया था ये,
तो गोया इस्लाम खुद एक मुबहम इस्तिलाह बन के रह गया है। कायद आजम तो इन मामलात में बड़े मुतय्यन मिजाज वाक़ हुए थे, लॉयर होने की जेब से भी, सियासतदान होने की जेब से भी, खुद उनकी जिंदगी भी मैंने देखा है, वो जुजियात तक मुतय्यन होते थे और अल्फाज के मुतय्यन माने दिया करते थे। ये उनकी बड़ी खूबी थी। इस्लाम इस्लाम कहने के बाद उनको इसका एहसास था कि जब ये कुछ मैंने कहा तो इस्लाम के अलमबरदार आ जाएंगे हजूम कर कि ठीक है साहब, आपने ले दिया, अलग हट जाइए, अब हम बताएंगे कि इस्लाम क्या है। उन्होंने इसको मुबहम नहीं छोड़ा और ये बड़ा एहसान है उन मुतय्यन करके छोड़ा उन्होंने, सुनिए कि उन्होंने मुतय्यन किस तरह से किया था। अजीजा ने दिसंबर 1945 में कराची में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास मुनक़द किया। उसके आखिरी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने पहले खुद ही एक सवाल उठाया। सवाल यह था कि वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जश्न वाहिद की तरह हैं, वो कौन सी चट्टान है जिस पर उनकी मिल्लत की इमारत उस्तवार होती है, वो कौन सा लंगर है जिससे उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है। ये सवालात उठाए और उन सवालात के जवाबात खुद ही दिए और सुनिए के जवाबात क्या थे। वो बंधन, वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर खुदा की किताब अजीम कुरान मजीद है। मुझे यकीन है कि जूं जूं हम आगे बढ़ते जाएंगे हम में ज्यादा से ज्यादा वहदत पैदा होती जाएगी। एक खुदा, एक किताब, एक रसूल, इसके बाद कौन सी चीज है जो हमें एक उम्मत नहीं बनने देगी। उन्होंने 1945 में जो ईद का पैगाम कौम के नाम नशर किया था उसमें आपने ये फरमाया था कि इस हकीकत से हर मुसलमान वाकिफ है कि कुरान के आकाम मजहबी और अखलाकी हदूद तक महदूद नहीं। मशहूर मुअर्रिख गिबन ने लिखा है कि बहरा अटलांटिक से लेकर गंगा तक हर जगह कुरान को जाब्ता हयात के तौर पर माना जाता है। इसका ताल्लुक सिर्फ इलाहियात तक नहीं बल्कि वो मुसलमानों के लिए सिविल और फौजदारी कवानीन का जाब्ता है जिसके कवानीन नए इंसान के तमाम अमाल अहवाल को मुहित हैं और ये कवानीन गैर मुतबद्दल मंशाए खुदाबंदी के मज़े हैं। गिबन ने ये लिखा था, इन्होंने इसे कोट किया और उसके बाद कहा कि इस हकीकत से सवाए जोहला के हर शख्स वाकिफ है कि कुरान मुसलमानों का बुनियादी ज़ाब्ता जिंदगी है जो माशरत, मजहब, तजारत, अदालत, फौज, दीवानी, फौजदारी और ताजीरात के जवाबित को अपने अंदर लिए हुए है। मजहबी रसूम हो या रोजमर्रा के मामूलात, रूह की निजात का सवाल हो या बदन की सवाई का, इज्तमाही हकूक का सवाल हो या इनफरादी वाजिबात का, आम अखलाकियात हो या जराइम, दुनियावी सजा का सवाल हो या आखिरत के मुआवजे का, इन सब के लिए कुरान मजीद में कवानीन मौजूद हैं। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि हर मुसलमान कुरान का नुस्खा अपने पास रखे और इस तरह अपना मजहबी रहनुमा आप बन जाए, इन्हें अलग मजहबी पेशवाओं की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ मैं अर्ज कर रहा हूं अजीजा ने मन, उनकी तकारीर में सैकड़ों सफहात पर फैला हुआ है। वक्त माने हैं कि मैं इससे ज्यादा तफसील में जाके आपको बयान करूं, लेकिन उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इसको, जिसे कहते हैं सम अप करके रख दिया था, इसका लुब लबाब और मुलखस बयान कर दिया था। और वो इंटरव्यू था जो जामिया उस्मानिया हैदराबाद के तुलबा को उन्होंने 1941 में दिया। अगस्त 1941 की बात है। वो वहां तशरीफ ले गए, उन लड़कों ने कुछ सवाल किए। पहला सवाल ये था
کہ مذہب اور مذہبی حکومت کے لوازم کیا ہیں؟ جواب سنیے عزیزان ایمان، جب میں انگریزی زبان میں مذہب یعنی ریلیجن کا لفظ سنتا ہوں تو اس زبان اور محاورے کی روح سے میرا ذہن لامحالہ خدا اور بندے کے باہمی پرائیویٹ تعلق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لیکن میں خوب جانتا ہوں کہ اسلام کے نزدیک مذہب کا یہ محدود اور مقید مفہوم نہیں۔ میں نہ کوئی مولوی ہوں نہ ملا، نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے، البتہ میں نے قرآن مجید اور قوانین اسلام کے مطالعہ کی اپنے طور پر کوشش کی ہے۔ اس عظیم کتاب کی تعلیمات میں انسانی زندگی کے ہر باب کے متعلق ہدایات موجود ہیں، زندگی کا روحانی پہلو ہو یا معاشرتی، سیاسی ہو یا معاشی، غرضے کے کوئی شعبہ ایسا نہیں جو قرآنی تعلیمات کے احاطہ سے باہر ہو۔ قرآن کریم کی اصولی ہدایات اور طریق عمل نہ صرف مسلمانوں کے لیے بہترین ہیں بلکہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے لیے حسن سلوک اور آئینی حقوق کا جو حصہ ہے اس سے بہتر کا تصور ناممکن ہے۔ پہلا سوال تھا، غور فرمایا آپ نے عزیزان ایمان؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نہ کوئی مولوی اور ملا ہوں، نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے، میں نے اپنے طور پر قرآن کریم اور قوانین اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اور اس مطالعہ کے بعد جس نتیجے میں پہنچی ہیں عزیزان ایمان، آپ غور کیجئے کہ یہ سارے علماء کرام اس کی مخالفت کر رہے تھے، اور مسٹر محمد علی جناح یہ چیز کہہ رہا تھا، اسلام کی بنیاد ہے یہ چیز جو انہوں نے کہی ہے کہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے، ایک دین ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں ضابطۂ حیات کا کام دے رہا ہے۔ یہ مسٹر محمد علی جناح کہتا تھا، یہ اختیار وہ ایک خیر یاد آ گیا کہ سر خدا کہ عابد و زاہد با قسم گفت، خدا کا راز کے عابد ادھر ہوتے ہیں کہ عابد و زاہد با قسم گفت در ہر تم کے درد کشاں آج کجا شنید۔ خدا کے یہ راز کی بات ہے کہ جسے ملا علماء نے کسی کو نہیں بتایا تھا، حیرت ہے کہ یہ ایک مسٹر جنہ کلین شیو سوٹڈ بوٹڈ مغرب پریس، اس نے کہاں سے یہ بات پا لی ہے؟ بڑی گہری چیز تھی، ہزار برس سے یہ مسلمانوں کی نگاہوں سے اگر ہو رہی تھی بات، وہ اسے مذہب کی سطح کے اوپر سمجھتے چلے آ رہے تھے، اور یہی چیز تھی جس کی وجہ سے وہاں یہ جنگ ہندو سے اور انگریز سے اتنی زیادہ جنگ نہیں تھی جتنی مذہبی پیشوائیت سے یہ جنگ تھی وہاں قائد اعظم کی، کہ وہ جب بھی اسلام کو پیش کرتے تھے ایک مذہب کی حیثیت سے پیش کرتے تھے، یہ جب بھی جواب دیتے تھے اسے ایک دین کی حیثیت سے پیش کرتے تھے، اور یہی چیز یہاں کہی ہے انہوں نے کہ مجھے اس کا دعویٰ تو نہیں لیکن قرآن سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے حقیقت۔ اور اب دوسرا سوال سنیے، لڑکوں نے پوچھا کہ اس سلسلے میں اشتراکی حکومت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بات آ گئی آپ کی، یہ سوشلزم اور اسلامک سوشلزم اور مساوات محمدی، اس سلسلے میں اشتراکی حکومت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب، اشتراکیت یا بالشویت یا اسی قسم کے دیگر معاشی یا سیاسی مسالک در حقیقت اسلام اور اس کے نظام سیاست کی غیر مکمل اور بھونڈی سی شکلیں ہیں۔ ان میں اسلامی نظام کے اجزاء کا سا ربط و تناسب نہیں پایا جاتا، ان کی صحیح اور مکمل شکل صرف اسلام کے اندر آپ کو ملے گی۔ 1941 کی باتیں ہو رہی ہیں عزیزان ایمان، اور اس کے بعد وہ تیسرا سوال آتا ہے جس کا جواب میرے نزدیک
इस मौजू पर हरफे आखिर है और मैं इसे 25 बरस से दोहराए चला आ रहा हूं। और जब पूछा जाता है कि नजरिया पाकिस्तान क्या है तो मैं कहता हूं कि नजरिया पाकिस्तान कायदे आजम ने अपने इन दो जुमलों के अंदर बयान कर दिया। यही नजरिया पाकिस्तान है, यही इस्लामी ममलकत का मंशूर होना चाहिए, यही वो हकीकत है कि जिसे हमारे यहां सेक्रेटेरिएट के दरवाजों पर, ऐवान ममलकत के अंदर, कैबिनेट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, प्रेसिडेंट के कमरे के अंदर, हर दरों दीवार के ऊपर नक्श होना चाहिए। अजीजा ने मान कायद आजम दो फिक्रों में जो बात कह गया है सुनिए। उन्होंने सवाल ये किया था कि इस्लामी हुकूमत के तस्वर की इम्तियाजी खसूसियत क्या है, यानी ये किस तरह बाकी तस्वुरात हुकूमत से मुमताज और मुतमयज है। जवाब सुनिए।